हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल स्टडी करने जा रहे हैं। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल? इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल दो चार्ज, एक प्लस और दूसरा माइनस, सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होगा, इस सिस्टम को हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। तो टू चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। देखो एक यहां पे मान लो प्लस क्यू चार्ज है, जो है वी हैव माइनस क्यू चार्ज एंड है प्लस क्यू चार्ज एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, यानी दोनों के बीच का जो दूरी है वो डी है। सो इलेक्ट्रिक डायपोल हम लोग बोलते हैं Q इंटू डी के इक्वल है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, इनमें से कोई एक चार्ज ले लो उनका मैग्नीट्यूड इंटू डिस्टेंस, तो चार्ज इंटू उनके बीच का जो दूरी है उनको मल्टीप्लाई कर दोगे, यही इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाता है। इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक डायपोल को यदि पी के टर्म्स में लिखे, इसे हम लोग पी से डिनोट करते हैं, सो पी इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्यू इंटू डी। नाउ यहां पे डी का डिरेक्शन किधर लेंगे? सो इलेक्ट्रिक डायपोल का डिरेक्शन हमेशा डिरेक्शन इज टेकन फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। सो इलेक्ट्रिक डायपोल का डिरेक्शन हम लोग हमेशा माइनस से प्लस की तरफ लेते हैं, ठीक है? और इन दोनों चार्ज के बीच का जो पॉइंट होगा, मिड में जो पॉइंट होगा, उसे सेंटर ऑफ डायपोल बोलते हैं, से ओ। तो ओ तो मिड पॉइंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। देखो चार्ज के बीच वाला जो पॉइंट है उसी को हम लोग सेंटर ऑफ डायपोल बोलते हैं, ओके? इसके देखो इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। इलेक्ट्रिक डायपोल में दो चार्ज होता है, एक प्लस होता है एक माइनस, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है और उनके बीच का डिस्टेंस यदि डी है, इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया क्यू इंटू डी। इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो पी इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। क्यू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज है, किसी भी इन दोनों में से किसी भी चार्ज का सिर्फ मान लेना अपने को और उनके बीच का दूरी दैट इज डिस्टेंस, इनको मल्टीप्लाई कर दोगे वही इलेक्ट्रिक डायपोल होता है। तो डिरेक्शन हमेशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ लेते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि माइनस हमेशा लेफ्ट में रखना है। राइट में यदि माइनस चार्ज यहां पे मान लो कोई रहता है कैपिटल क्यू और इधर प्लस क्यू, तो डिरेक्शन इसका माइनस से प्लस क्यू इस तरफ हो जाता है, ओके? सो डिरेक्शन हमेशा माइनस से प्लस की तरफ होता है एंड इन चार्ज के बीच वाला जो पॉइंट होगा उसे हम लोग सेंटर ऑफ डायपोल बोलते हैं। नाउ यूनिट ऑफ डायपोल, तो मैथमेटिकल फॉर्मूला जो आया है डायपोल का, दैट इज पी इज इक्वल टू क्यू डी। फ्रॉम दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड यूनिट। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, तो ये देखो चार्ज इनटू डिस्टेंस है, तो चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम, डिस्टेंस का होता है मीटर। So, ऐसा यूनिट विल बी कूलम मीटर, सिंबल सी डैश एम। देखो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? तो दो चार्ज है, एक माइनस एक प्लस, ऐसा तुम लोग केमिस्ट्री में हमेशा देखे होगे, जब भी एक बॉन्ड फॉर्म होता है तो एक प्लस होता है एक माइनस आयंस होता है, इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ही स्मॉल होता है।
तो ऐसी चीजों को स्टडी करने के लिए एक चार्ज तुम लेके स्टडी नहीं कर सकते, दोनों को एक सिस्टम लेके करते हैं, और इसी सिस्टम को हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। उसी का हम लोग इस टॉपिक के अंदर देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे कितना आएगा और पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सभी हम लोगों को इस टॉपिक में देखना है। तो इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो तुम केमिस्ट्री में देखोगे, अभी हम लोग मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक डायपोल को स्टडी करते हैं। बाकी केमिस्ट्री में तुम इलेक्ट्रिक डायपोल को ज्यादा स्टडी किए हो, शायद कर चुके होंगे या बाकी होगा। तो लेट अस स्टार्ट विथ पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो केस वन एट एक्सियल पॉइंट, तो एक्सियल पॉइंट क्या होता है, तो एक हम लोगों के पास माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, पर इनके बीच का डिस्टेंस जो है ये डी है। एक्सियल पॉइंट मीन्स इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करो और इस लाइन के अलावा कोई पॉइंट रखोगे, इस पॉइंट पे लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लेंगे उसे बोलते हैं एक्सियल पॉइंट, क्योंकि इसके एक्सिस पे लाइन करता है। तो किसी एक्सियल पॉइंट पे मुझे फाइंड करना है पोटेंशियल। मान लो ये पॉइंट है ए, तो पॉइंट ए पे मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है। तो याद रखना पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो मुझे ये हमेशा दिमाग में रखना, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो ये स्केलर क्वांटिटी मुझे कैलकुलेट करना है। सेंटर ऑफ डायपोल इज ओ, और ओ से ये डिस्टेंस आर, ओ ए इज आर, इट इज गिवन। मोर ओवर देखो जो चार्ज होता है इक्वल मैग्नीट्यूड के, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, अभी तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग में बताया था कि केमिस्ट्री में तुम लोग देखते हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वेरी वेरी स्मॉल होता है। इसलिए हम लोग इसी एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि डी इज मच मच लेस देन आर, यानी ये जो डिस्टेंस बिटवीन चार्ज है ये पॉइंट ए का जो सेंटर ऑफ डायपोल से जो डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में ये डिस्टेंस डी वाला जो डिस्टेंस है चार्ज के बीच का जो दूरी है वो बहुत ही कम है। सो डी इज मच मच लेस देन आर। नाउ कैन यू टेल मी माइनस क्यू चार्ज से ए का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, तुम बता सकते हो इस पॉइंट माइनस क्यू चार्ज से ए तक का डिस्टेंस कितना होगा? तो देखो ओ तक का डिस्टेंस आर है और ये मिड पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा डी बाई टू। ओके, सो ये वैल्यू हो गया आर प्लस डी बाई टू। इसी तरीके से ए पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा प्लस क्यू चार्ज से वो हो जाएगा आर माइनस डी बाई टू। देखो मैं चार्ज से डिस्टेंस क्यों कैलकुलेट कर रहा हूं? यस, तुम लोग बहुत सारे स्टूडेंट समझ गए होंगे क्योंकि हम लोगों को फार्मूला मालूम है, पॉइंट चार्ज है कोई और इससे आर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालोगे, यदि ये डिस्टेंस आर है तो पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर। मोर ओवर ये चार्ज का साइन के साथ वैल्यू पुट करते हैं, यदि चार्ज प्लस होगा तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा और चार्ज यदि माइनस होगा तो पोटेंशियल भी माइनस हो जाएगा। सेम वे यहां पे पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू, देखो इस माइनस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट ए पे पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला है के क्यू बाय आर, के क्यू इसका चार्ज है माइनस क्यू, तो माइनस क्यू अपॉन आर, तो डिस्टेंस माइनस क्यू से ए का जो डिस्टेंस है वो है आर प्लस बी बाई टू। इसे हम लोग वी वन लिखते हैं। ओके, सिमिलर वे वी टू दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू
प्लस क्यू, यानी पहले हम लोगों ने माइनस क्यू के कारण पोटेंशियल ए पे लिखा, अब ए पे ही पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू लिख दिया, तो ये आ जाएगा बाय फॉर्मूला के क्यू, ये पॉजिटिव है, अपॉन डिस्टेंस, तो डिस्टेंस आर माइनस डी बाई टू, सो इट बिकम्स के क्यू आर माइनस डी बाई टू। सो नेट पोटेंशियल एट ए, देखो पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, अभी बताया था, तो पोटेंशियल एट ए बिकम्स पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज माइनस चार्ज एंड ड्यू टू प्लस चार्ज, सो वी वन प्लस वी टू स्केलर है, सिंपली एड कर दो, दोनों का वैल्यूज पुट करो, यू कैन से दिस बिकम्स माइनस के क्यू बाय आर प्लस डी बाय टू प्लस के क्यू आर माइनस डी बाय टू। एलसीएम लो, यह जाएगा आर प्लस डी बाय टू इंटू आर माइनस डी बाई टू, ऊपर से के क्यू कॉमन ले लो, यह जाएगा माइनस इंटू आर माइनस डी बाई टू प्लस आर प्लस डी बाई टू, इसे सॉल्व करोगे तो माइनस से ब्रैकेट एक्सपेंड करो, ये माइनस आर हो जाएगा प्लस डी बाई टू, तो आर एंड माइनस आर कैंसल हो जाएगा, डी बाई टू प्लस डी बाई टू, दिस बिकम्स सो पोटेंशियल एट ए बिकम्स के क्यू डी बाई टू प्लस डी बाई टू डी हो जाएगा अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो इट बिकम्स आर स्क्वायर माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर यानी डी स्क्वायर बाई फोर। देखो क्यू इंटू डी यही टाइप होल है, तो पोटेंशियल एट ए इसके क्यू इंटू डी को पी लिखेंगे अपॉन, एंड एक एग्जांपल हम लोगों ने लिया था कि डी इज मच मच लेस देन आर, ठीक है, स्क्वायर करने के बाद तो डी स्क्वायर और भी बहुत छोटा हो जाएगा कंपेयर टू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर के कंपैरिजन में डी स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते, तो डी स्क्वायर बाय फोर को तो नेग्लेक्ट कर ही सकते, तो आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय फोर, तो सिंपली आर स्क्वायर लिख लेंगे, सो पोटेंशियल एट ए बिकम्स के पी बाय आर स्क्वायर। देखो बहुत सारे स्टूडेंट को ये समझने में दिक्कत होता है कि ये कैसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझो, यदि मैं बोलूं वन इज मच मच लेस देन थाउजेंड, तो तुम लोग इस चीज को मानते हो, वन इज वेरी स्मॉल नंबर कंपेयर टू थाउजेंड, हजार के नंबर के संख्या के कंपेयर करोगे तो एक बहुत ही छोटा है, अब इसका स्क्वायर कर दो, वन स्क्वायर तो वन ही रह जाएगा, थाउजेंड स्क्वायर करोगे तो ये वो लाख में पहुंच गया, तो एक लाख के कंपैरिजन में एक, यदि इसको नहीं नेग्लेक्ट कर सकते लेकिन एक लाख के कंपैरिजन में चलो एक और जीरो आएगा, तो दस लाख के कंपैरिजन में एक तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया, उसका कोई मतलब ही नहीं बचा दस लाख के कंपैरिजन में, इसी तरीके से यहां पे यदि डी ही आर से बहुत ही छोटा है तो डी स्क्वायर तो और भी छोटा हो जाएगा, तो उसको नेग्लेक्ट कर सकते, तो पोटेंशियल एट ए बिकम्स के पी बाय आर स्क्वायर, तो दिस इज ये एक फॉर्मूला आया किस पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे, उसके अलोंग द एक्सिस वाले पॉइंट पे, सिमिलर वे हम लोग इक्विटोरियल पॉइंट पे फाइंड करते, देखो दो चार्ज है अगेन माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, इनके बीच का डिस्टेंस है डी, ओ इज द सेंटर सेंटर ऑफ डायपोल, तो डायपोल का बीच वाला पॉइंट ओ है, अब हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते हैं और इस पॉइंट पे कहीं पॉइंट लेते हैं, मान लो ए, और नाउ ए पे मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डायपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो पॉइंट है इसे इक्विटोरियल पॉइंट बोलते हैं, तो केस टू इक्विटोरियल पॉइंट।
ओके तो अगेन जैसे हम लोगों ने पहले केस में किया, पहले माइनस चार्ज के कारण पोटेंशियल ए पे निकालेंगे, फिर प्लस चार्ज के कारण पोटेंशियल ए पे निकालेंगे, फिर दोनों का सम कर देंगे क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। तो ए पे पोटेंशियल निकालने के लिए पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, तो ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा दोनों का। तो सिमेट्री से देख सकते दोनों एक जैसा है, दोनों साइड एक जैसा है, तो दोनों का डिस्टेंस इक्वल ही होगा। इस डिस्टेंस को जेड मान लो, ये सेंटर है, तो ये माइनस चार्ज से ओ तक का डिस्टेंस डी बाई टू हो जाएगा, और ये डिस्टेंस हम लोग आर मानते हैं ओ से ए तक का। तो इस ट्रायंगल में ये डी बाई टू है, ये आर है, ये परपेंडिकुलर है, ये जेड है। तो पाइथागोरस थ्योरम से जेड कैलकुलेट कर सकते हैं, जेड का वैल्यू जो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी बाई टू का स्क्वायर यानी डी स्क्वायर बाई फोर। सो माइनस क्यू के कारण पोटेंशियल जो आएगा उसे वी वन लिखते हैं, दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू एट ए। तो ये आ जाएगा के क्यू यानी माइनस क्यू अपॉन जेड। सिमिलर पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, सो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू एट ए, तो यह आ जाएगा के प्लस क्यू बाई जे। हम लोग जानते हैं पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, नेट पोटेंशियल एट ए यानी जो पोटेंशियल एट ए आएगा वो वी वन प्लस वी टू के इक्वल होगा। दोनों का वैल्यूज पुट कर दो, वी वन है माइनस के क्यू बाई जे, वी टू है के क्यू बाई जे, तो पोटेंशियल बिकम्स जीरो। तो रिमेंबर कि जो इक्विटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल आ रहा है वी टू डायपोल वो जीरो आ जा रहा है, पर एक्सियल पॉइंट पे केपी बाय आर स्क्वायर आता है। इसमें एक चीज याद रखना कि पोटेंशियल जो एक्सियल पॉइंट पे आया है फॉर्मूला केपी बाय आर स्क्वायर, तो पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये कई बार क्वेश्चंस आए हैं, हम लोग क्वेश्चन सेशन में देखेंगे, जेई में कई बार ऐसे भी प्रॉब्लम्स पूछा गया है जहां पे पोटेंशियल हम लोग समझते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, लेकिन इस केस में डायपोल के केस में पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस आता है। ये एक मेजर मिस्टेक है जो एग्जाम में स्टूडेंट कमिट करते हैं, तो ऐसे मिस्टेक्स अवॉइड करना है। यदि जनरल पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा तो कैसे करेंगे, माइनस क्यू चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, ओ सेंटर ऑफ डायपोल है, यहां से कोई पॉइंट ए है जो कि आर डिस्टेंस पे है और डायपोल से एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है। तो ऐसे केसेस को हम लोग बोलते हैं जनरल पॉइंट, किसी जनरल पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, वो ना इक्विटोरियल है ना एक्सियल है, कोई भी पॉइंट नहीं है, कैसे कैलकुलेट करना है। तो देखो बहुत सारा मैथमेटिक्स है, लेकिन हम लोग फिजिक्स कर रहे हैं, फिजिक्स में वेक्टर क्वांटिटी का एप्लीकेशन हम लोगों को सबसे ज्यादा आना चाहिए, तो मैं वेक्टर का अप्लाई करके करना चाहता हूं। वेक्टर अप्लाई करने के लिए देखो, ये हम लोग जानते हैं डायपोल होता है माइनस से प्लस की तरफ, ठीक है, तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक डायपोल है पी जिसके सेंटर से एक पॉइंट हम लोग ए लिए हैं जो कि आर डिस्टेंस पे है, ठीक है, और डायपोल से एंगल थीटा बना रहा है, इस पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल निकालना। तो अभी हम लोगों ने दो फॉर्मूला डिराइव किया था, एक एक्सियल के लिए एक इक्विटोरियल पॉइंट के लिए पोटेंशियल के लिए, उसे यूज करने के लिए मुझे डायपोल या तो डायपोल चाहिए इस लाइन के अलोंग या उसके परपेंडिकुलर, लाइन के अलोंग रहेगा तो उसके लिए ये एक्सियल पॉइंट हो जाएगा और परपेंडिकुलर रहेगा तो वो इक्विटोरियल पॉइंट हो जाएगा। तो इस केस में तो ऐसा कुछ है नहीं,
इसे यूज करने के लिए हम लोग जानते हैं वेक्टर को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, उनका कंपोनेंट ले सकते हैं। तो एक वेक्टर को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक कर सकते हैं। तो P को यदि अलोंग दिस लाइन ब्रेक करो और इसके परपेंडिकुलर ब्रेक करो तो क्या हो जाए? तो P का इस डायरेक्शन, देखो P इस डायरेक्शन में ये एंगल थीटा है, तो P का कंपोनेंट इस लाइन में आ जाएगा P cos थीटा। कंपोनेंट ब्रेक करना हम सभी को आता है, फर्स्ट क्लास से ही हम लोग करते आए हैं, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा P sin थीटा। किसी ए पॉइंट पे निकालना है ना, पोटेंशियल ड्यू टू पी कॉस थीटा, जो डायपोल अपना है पी कॉस थीटा, इसके कारण क्या होगा पॉइंट ए पे? तो ये डिस्टेंस आर दिया हुआ है, तो ए पॉइंट पी कॉस थीटा के लिए, देखो पी कॉस थीटा के लिए ए एक्सियल पॉइंट की तरह बिहेव कर रहा है, इसके एक्सिस में जिधर डायपोल है उसी लाइन पे ये पॉइंट ए लाई कर रहा है, एक्सियल पॉइंट हो गया। तो एक्सियल का फॉर्मूला था के पी, इसका डायपोल का वैल्यू है पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दूसरा आ रहा है पी साइन थीटा के कारण पोटेंशियल, जिसे वी पी साइन थीटा लिख रहा, तो ये आ जाएगा। तो पी साइन थीटा के लिए देखो ये पॉइंट जो है पी साइन थीटा के परपेंडिकुलर लाइन पे लाई कर रहा है, यानी इक्विटोरियल पॉइंट हो गया, और इक्विटोरियल पॉइंट पे हम लोगों ने देखा था तो पोटेंशियल जीरो हो जाता है। सॉरी तो इस केस में भी पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो नेट पोटेंशियल एट ए आ जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू पी कॉस थीटा, यानी जो कंपोनेंट डायपोल का पी कॉस थीटा है उसके कारण, और दूसरा साइन थीटा कंपोनेंट के कारण। पोटेंशियल के स्केलर क्वांटिटी दोनों को ऐड कर दिया तो नेट पोटेंशियल बिकम्स जीरो, नेट पोटेंशियल बिकम्स इसके कारण आ गया केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर प्लस साइन थीटा कम इक्विटोरियल पोजीशन के कारण जीरो आया था, तो ये जीरो हो गया। तो नेट पोटेंशियल यही बच जाएगा, सो पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट बिकम्स केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। यहां पे पी क्या है? पी है क्यू इंटू डी, तो ये वैल्यू यदि पुट करोगे तो पोटेंशियल एट ए बिकम्स के क्यू डी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। एक चीज जो हमेशा दिमाग में रखना कि इसमें एक कंडीशन गिवन है, डी इज मच मच लेस देन आर, उसके बाद ही ये सभी फॉर्मूला डिराइव किया गया है। ओके, सिमिलर वे वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ओके, थैंक यू।